So hello everyone, welcome back to TFS. I hope you all are doing very great. So right now I am in Aprilia showroom and यहाँ पे अपन लोग देखने के लिए आए हैं RS457 and उसकी टेस्ट राइड भी फाइनली अपन लोग ने ले ली है. सो टेस्ट राइड की वीडियो आप सभी के पास है, आप सभी देख सकते हैं. ऑल दो मैं एक बार ना सीरियसली इस बाइक को आपको दिखाऊँ, मैं देख के इसको मेरे को बहुत मतलब हैरानी हो रही है. रीज़न कि कंपनी ने क्या बाइक डिज़ाइन की है. सीरियसली यार, मतलब आप इसको सामने से देखोगे ना, बहुत बड़ी, मतलब आपको एक अच्छी खासी 800-900 सीसी की मोटरसाइकिल वाला जो फील है वो देती है. काफ़ी वाइड लुक है इसका. एंड उसके बाद यहाँ पे अगर आप इसको देखोगे ना, इसका टैंक, सो ये भी आपको काफ़ी वाइड देखने को मिलता है. एंड बेसिकली यहाँ पे आपको मिल रहा है 450 सीसी पैलेट ट्विन इंजन जो कि प्रोड्यूस करता है 46 bhp की पावर एंड लगभग इसमें आपको 43 Nm के आसपास का टॉर्क मिल जाने वाला है. एंड USD इसके अंदर आपको फ्रंट सस्पेंशन मिलते हैं. एंड रियर की बात करो तो यहाँ पे आपको मोनोशॉक सस्पेंशन मिलता है. एंड इसके बाद अगर पीछे के टायर प्रोफाइल की बात करो तो यहाँ पे आपको मिल रहा है 150 सेक्शन का टायर और ये टायर आता है Aprilia की तरफ से. एंड सीरियसली वाओ मैन, Aprilia अपने डायर खुद ही इस पर बना रहा है. एंड इसके अलावा आपको फ्रंट पे मिलता है 110 mm का टायर. उसके बाद में इसका फ्रंट लुक देते हैं, व्हाट एन अमेजिंग. एंड अभी इसको मैंने टेस्ट राइड किया, क्या ब्रूटल पिकअप है इसका. सीरियसली मतलब इतना बेहतरीन पिकअप मैंने अभी तक, चाहे वो अपनी KTM ADV राइड करता हूँ, डोमिनार राइड करता हूँ, इन दोनों में तो है ही नहीं, ठीक है. बट हाँ, मतलब अगर आपका कावासाकी निंजा 400 मैंने शायद राइड नहीं किया तो मैं उसके अकॉर्डिंग कंपेयर नहीं कर पाऊँगा. बट बहुत फास्ट है. इवन कि सेकंड गियर में जब मैंने बाइक को पुल किया तो उस टाइम पे मेरे को लगा कि भाई, मतलब पता चल रहा था भाई पावर का इस मोटरसाइकिल की. एंड एक बार इसका इग्निशन ऑन करके देखते हैं. तो ये देखो सामने से लोग, एंड इसमें ना सबसे बेस्ट चीज़ मुझे क्या लगी कि कंपनी ने ना हर जगह पे सिर्फ एलुमिनियम को यूज़ किया हुआ है. अगर आप इसके चेसी फ्रेम को देखोगे तो ये भी जो इसका चेसी है वो भी आपको एलुमिनियम में मिलने वाला है. पीछे का स्विंग आर्म है वो भी आपको एलुमिनियम में मिलने वाला है, जिसकी वजह से बाइक काफ़ी लाइट वेट है. आई थिंक 170 के आसपास का इसका जो है कर्व वेट रहने वाला है. और उसके बाद में वेट तो पेट्रोल डलवाने के बाद 13-14 लीटर के आसपास का डेफिनेटली बढ़ जाएगा. बट रियली काफ़ी अमेजिंग. एंड इसका मीटर, ओ माई गॉड, तो एक चीज़ तो डन है कि भाई यामाहा की R3 कहीं नहीं टिकने वाली इसके आगे, बिकॉज उसका प्राइस कहीं ना कहीं उसको खा जाने वाला है. बट ये बाइक अवेलेबल है आई थिंक 5 लाख रुपीज़ के अंडर में. एंड तो कुछ चीज़ें इसके बारे में एक चीज़ और बताना चाहूँगा, लाइक कि जब इसके ऊपर बैठा हूँ ना तो बैठने के बाद में जो राइडिंग स्टाइल है थोड़ा सा एग्रेसिव है, बट इतना भी ज़्यादा नहीं है जितना R15 पे आजकल आपको फील होने होता है, ठीक है. मतलब बहुत कंफर्टेबल आप कह सकते हो और 200-300 किलोमीटर्स के लिए काफ़ी अच्छी है. इवन कि सिटी के अंदर तो आप इसको कंटिन्यूसली राइड कर सकते हो. एंड उसके बाद एक चीज़ मेरे को इसमें, मतलब Aprilia ने ना जो प्रीमियमनेस होती है ना जिसको बोलते हैं वो देखो, मतलब आपने देखा कभी गियर को इस तरीके से यहाँ पे, मतलब जो ये शाफ्ट यूज़ किया गया है गियर चेंज करने के लिए, भाई हमारे वाले में तो यहीं पे होता है, ठीक है. बट ये काफ़ी मेरे को अमेजिंग लगा. एंड उसके बाद हर जगह पे आपको ना एल्युमिनियम नज़र आने वाला है. सीरियसली यार, व्हाट अ क्वालिटी मैन. एंड उसके बाद इसका ये मोनोशॉक और यहाँ पे आपको स्प्लिट सीट मिलती है. और स्प्लिट सीट की जो यहाँ पे जो राइडर के लिए सीट है ये काफ़ी वाइड है एंड काफ़ी बड़ी है, बट जो प्लेन है उसके लिए जो सीट है वो थोड़ी छोटी है. और यहाँ पे ग्रैब वो करने के लिए बिल्कुल हल्का से दिया गया. बट एक बार अगर मैं पीछे से आपको दिखाऊं तो ये इसका रियर लुक है. वेल, एक चीज़ इसमें और मेरे को अच्छी लगी, इसका क्लच भाई बहुत, मतलब आप इसको ना सिंगल फिंगर से भी आप इस क्लच को यूज़ कर सकते हो. और ये मेरे को सबसे बेस्ट चीज़ लगी, बिकॉज भाई ट्विन सिलेंडर इंजन है और इसके बावजूद अगर इसका क्लच इतना लाइट है तो ये इससे बेस्ट कुछ भी नहीं हो सकता. बिकॉज जब भी आप ट्रैफिक में होते हो उस टाइम पर ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम करता है. मेरे को ये चीज़ बहुत इसकी पसंद आई है. एंड अगेन यहाँ पे आप देखोगे तो आपको प्रीलोड करने का भी ऑप्शन मिल जाता है इसमें, ठीक है. एडजस्टेबल है इसके सस्पेंशन तो आप इसको एडजस्ट कर सकते हो. एंड यार यहाँ पे इसका मोड को चेंज करने के लिए दिया गया है यहाँ पे एक स्विच, तो आप इसको जब भी प्रेस करोगे तो इसमें 3 बेसिकली मोड मिलते हैं आपको, इको, रेन एंड उसके बाद स्पोर्ट्स. और स्पोर्ट्स मोड में जो बाइक है ये अपनी प्रॉपर पावर डिलीवर करती है.
एंड उसके बाद अगर स्विचेस की क्वालिटी की बात करूँ तो देखने में तो वैसे तो उस टाइम पे जब वीडियोस में देख रहे थे तब फील नहीं हो रहा था, बट यहाँ पे अभी आपको बहुत अच्छे तरीके से फील होने वाला है कि यार मतलब क्वालिटी तो है। यहाँ पे टॉगल बटन्स दिए गए जिसके थ्रू आप स्क्रीन को टॉगल कर सकते हो, लाइक इसमें फ़ोन कॉल्स, उसके बाद में आप ब्लूटूथ कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और बाकी आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल जाती है जस्ट लाइक कि यहाँ पे ट्रिप है, मैक्स फ्यूल टाइम, मैक्सिमम स्पीड कितनी थी, फ्यूल कितना बचा हुआ है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन। इवन कि इसमें आपके सर्विस इंटरवल, बाइक का टेम्परेचर, बैटरी, म्यूज़िक आप यहाँ से आप चेंज और उसके बाद में कर सकते हो। अगर आपके पास इंटरकॉम लगा हुआ है तो आप अपना मोबाइल को कनेक्ट करो एप्रिलिया के ऐप के थ्रू और उसके बाद में फिर आप म्यूज़िक को सुन सकते हो, यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। सो वेरी अमेजिंग मैन, सीरियसली व्हाट अ मोटरसाइकिल। इसके DRLs का लुक, ओह भाई साहब, ये सबसे बेस्ट चीज़ लगी मेरे को। एक बार इसका इंडिकेटर देखते हैं आप। सो इसमें इंडिकेटर जो है वो इंटीग्रेटेड है, ठीक है। आपको यहीं पे जो इसके इंडिकेटर्स मिल जाएंगे इसी DRL के अंदर में। सो इफ़ यू वांट टू टेक टेस्ट राइड ऑफ दिस मोटरसाइकिल, सो आप आ सकते हैं नारायणा के स्टोर पे, ठीक है। भवानी ऑटो नारायणा वाला स्टोर आप सर्च करेंगे आपको गूगल पे मिल जाएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस Aprilia RS457। भाई मैं तो हो गया फैन इसका, सीरियसली मेरे को तो आगे बहुत ज़्यादा मज़े। एंड नाउ इट्स टाइम कि अभी देखते हैं, एक बार चेक करते हैं कि भाई डोमिनर जाएगी या फिर KTM जाएगी, मुझे नहीं पता, बट सीरियसली मेरा बहुत मन कर रहा है इस मोटरसाइकिल को लेने का। एंड सोच रहा हूँ कि भाई इसकी बुकिंग वगैरह करवा ही देते हैं, बाकी बाद में देखेंगे, घर वालों को थोड़ा सा छुपाना पड़ेगा, बट देखते हैं। एंड वेट फॉर 30,000 सब्सक्राइबर और उस टाइम पे फिर ये मोटरसाइकिल अपने पास होगी। वेल चलते हैं इसी के साथ में इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग TFS Bike।